नमस्कार दोस्तों, दिवाली पर हम सभी के घरों में ये धान का लाबा यानी खील आता ही है पूजा के लिए, और दिवाली के बाद ये बच जाता है तो हम इसका क्या करें हमें समझ में नहीं आता, और इसे कोई खाना भी पसंद नहीं करता है। तो आज हम बनाएंगे दिवाली की बची हुई इस खील से चटपटा सा नमकीन, और इस नमकीन को आप बनाकर एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाता है, और वो भी बहुत ही कम तेल मसालों में। तो चलिए इस नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए, ये देखिए, यह है धान का लाबा जिसे खील कहा जाता है, और इस खील को हम सबसे पहले साफ कर लेंगे। तो इसमें थोड़े बहुत धान के टुकड़े रह जाते हैं जो गले में खाने पर बहुत तेज चुभता है, तो हम इसे बीन कर अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये धान के छिलके होते हैं, तो हम इसे चुनकर सारे अलग कर लेंगे और इस खील को हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी खील की एक चाट की रेसिपी डाली है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, गैस स्टोव पे हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा तेल, तेल गर्म होने देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें हम इसी में भून लेंगे और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। मैंने इसे बहुत कम सामान में बनाकर तैयार किया है, आप इसे अभी ही बना सकते हैं। तो ये देखिए, तेल गर्म हो गया है और हमने इसमें डाल दिया एक छोटी कटोरी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, तो हम इसे अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो आप इसे मसालों के साथ ही डालें, और हमने यहाँ पर साथ ही डाल दिया है तो हरी मिर्च, इसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, और हमें हरी मिर्च को मूंगफली के साथ ही अच्छी तरह से भून लेना है जिससे कि हरी मिर्च बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, हमारी हरी मिर्च भी भुन चुकी है, क्रिस्पी हो गया है, और मूंगफली भी। तो हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। और अगर आप कड़ी पत्ता पसंद नहीं करते हो तो ज़रूरी नहीं कि इसे डालें, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा भी डाल दिया है, जिससे कि इसके साथ ही ये सारी चीज़ें भून जाएंगी। अब हम सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ली है कलर के लिए, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ले ली है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा लाल मिर्च है, आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने आधी चम्मच डाला है, और इन्हें डालकर सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, सिर्फ इन मसालों का कच्चापन दूर होने तक, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है। और अब ये मसाले भून चुके हैं तो हम इसमें खील डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से एक ही बार में सारा प्रोसेस करके तैयार कर लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो सबसे पहले गर्म कढ़ाई में खील को अच्छी तरह से भून लें। खील भुनने के बाद ही सभी मसालों को आप तैयार करें, फिर उसमें मिक्स कर दें। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक भी। काला नमक से हमारे नमकीन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो मसाले आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, आपको जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सिर्फ मूँगफली डाली है, आप इसमें कुछ मेवे भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं, भुने चने डाल सकते हैं, आप इसमें और भी चीज़ें अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे और इस गर्म कढ़ाई में ही इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये खील अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। खील डालने के बाद हम बहुत देर नहीं भुनेंगे, नहीं तो हमारे मसाले नीचे से जल जाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको तो इसे दबा कर दिखाती हूँ, और इसे ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दें। पूरे महीने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, कम समय में भी बन जाता है। आप इसे सिर्फ खील और मूंगफली से भी बना सकते हैं, या सिर्फ खील से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा, काफ़ी हेल्दी भी होता है। और दिवाली के बाद जब आपकी खील बच गई, इसका क्या करें, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से जाइए किचन में और इस नमकीन को ट्राई करिए, और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।